हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद द ट्रांस। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे करते हैं बक कन्वर्टर के केस में। आज हम देखेंगे इस लेक्चर में कंटिन्यूस कंडक्शन मोड CCM, बाउंड्री कंडीशन और डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड DCM। ये कंडक्शन मोड्स को कैसे डिसाइड करते हैं पहले ये देखते हैं। CCM के केस में इंडक्टर की वेवफॉर्म किस तरीके की बनती है, किस तरीके की, तो जो ये वाले कंडक्शन मोड्स हैं इंडक्टर की करंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि CCM में है या बाउंड्री कंडीशन पे या DCM में। अगर इंडक्टर का करंट है इस तरीके की वेवफॉर्म में IL, अगर IL की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है हर एक स्विचिंग टाइम में TS, एक स्विचिंग साइकिल में अगर IL की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है ऑलवेज, तो इसको हम बोलते हैं CCM है। अगर ये वैल्यू इंडक्टर की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होकर जब स्विचिंग पीरियड स्टार्ट होता है, जो स्विचिंग पीरियड एंड होता है जीरो पे आ जाती है यानी TS हो गया, इसके बाद फिर से स्टार्ट होती है फिर जीरो तक पहुंचती है, तो ये स्विचिंग इस पीरियड में स्विचिंग पीरियड में जीरो से स्टार्ट होकर जीरो पे जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा IL ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो, जीरो को भी टच कर रहा है, तो ये हो गया बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन ये एक स्पेशल केस है कंटिन्यूस कंडक्शन मोड का, क्योंकि कंटिन्यूस तो है ही, वहां मैक्सिमम पे जा रहा है फिर जीरो पे आ रहा है फिर मैक्सिमम पे जा रहा है, तो यानी कहीं पे करंट केवल एक पॉइंट पे जीरो हो रहा है, ये हो गया बाउंड्री कंडीशन। अब DCM के केस में क्या होता है, अगर यही करंट जीरो से स्टार्ट हुआ मैक्सिमम गया और ये यहाँ पे जीरो हो गया और टाइम पीरियड कितना है, ये स्विचिंग पीरियड TS है, तो स्विचिंग पीरियड में कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम इंटरवल के लिए IL की वैल्यू होती है जीरो रहती है, तो उसको बोलते हैं DCM। तो ये थे कंडक्शन मोड्स। एकेडमी के कुछ मॉड्यूल्स भी आए हैं जो कि जो लोग गेट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो इन मॉड्यूल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। विद द ट्रांस कोड का आप इस्तेमाल करके 10% ऑफ यहाँ पे पा सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो मॉड्यूल है उनमें से आपके जो इलेक्ट्रिकल के टॉप सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। 24 नवंबर से ये स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। सेम आपका ECE के लिए है, अगर आप गेट एंड ESE की 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ECE के लिए भी आप ये वाला मॉड्यूल देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको 10% ऑफ आपको चाहिए तो आप विद्या ट्रांस लाइव कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। 24 नवंबर से ये सारे कोर्सेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनमें आप अपने आप को इनरोल कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप गेट 2022 का पेपर देने वाले हैं, थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं कि ये CCM से DCM में किस तरीके से जा सकता है, इसको दो तरीके से देख सकते हैं। पहले कंडक्शन के केस में देखें, इस तरीके की वेवफॉर्म थी, ये तो क्या था, अगर हमें अभी हम क्या कर रहे हैं कि D को ड्यूटी साइकिल को कांस्टेंट मान रहे हैं, VD को भी कांस्टेंट मान लिया, तो V नॉट भी कांस्टेंट होगा क्योंकि DVD रहता है, तो L की वैल्यू और I नॉट यानी लोड करंट, तो अभी लोड करंट को पहले केस में क्या कर रहे हैं, इसको कांस्टेंट मान रहे हैं और L को वेरी करेंगे, तो अभी देखते हैं क्या होगा। इस तरीके से ये कंटिन्यूस कंडक्शन मोड है, तो L क्या होता है यानी डेल्टा IL क्या होगा, VD माइनस ये रिपल करंट था, VD माइनस V नॉट इनटू D डिवाइड बाई FSL, ये था रिपल करंट, तो L की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा रिपल करंट, और इसका स्लोप भी क्या हो गया VD माइनस V नॉट बाई L,
तो क्या होगा अगर हम L की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। पहले L की वैल्यू को देखते हैं कि इंक्रीज करने पर क्या होता है। L की वैल्यू हमने इंक्रीज की तो क्या होगा, डेल्टा IL डिक्रीज होगा। ये क्या वैल्यू है, IL मैक्स और IL मिनिमम। तो IL मैक्स क्या हुआ, IL नॉट प्लस डेल्टा IL बाई 2, और IL मिनिमम हुआ I नॉट प्लस माइनस डेल्टा IL बाई 2। तो ये हो गया। IL मैक्स कैसे निकालेंगे, I नॉट हमारा कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि V नॉट कांस्टेंट है। यहाँ पे I नॉट क्या होता है, V नॉट बाई R, R को हम चेंज नहीं कर रहे, R हम अपने अकॉर्डिंग रखा, कोई वैल्यू ले फिक्स वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट है। और अब क्या कर रहे हैं, L की वैल्यू हमने इंक्रीज किया, डेल्टा IL डिक्रीज हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कांस्टेंट है, ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज, यानी जो पीक पहले यहाँ आ रहा था इधर आएगा। IL मिनिमम क्या होगा, डेल्टा IL इंक्रीज किया है तो ओवरऑल ये डिक्रीज कर जाएगा, नहीं सॉरी ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ हाई में से लो वैल्यू हम कम कर रहे हैं, IL मिनिमम की वैल्यू बढ़ जाएगी, इधर आ गया। तो ये इंडक्टर करंट इस तरीके से जाएगा, ये वाली वैल्यू, तो रिपल करंट आई डेल्टा IL की वैल्यू कम हो गई, लेकिन एवरेज वैल्यू जो I नॉट था वो सेम है। तो L की वैल्यू बढ़ाने पे देखा कि ये तो मोर कंटिन्यूस हो रहा है, IL जितना नीचे जाएगा तब डिसकंटिन्यूस तभी हो सकता है, तो L की वैल्यू बढ़ाने पे ये ज़्यादा कंटिन्यूस हो रहा है। जब अब देखते हैं L की वैल्यू कम करने पर क्या होगा, L की वैल्यू कम करने पर अब देखते हैं यहाँ से L की वैल्यू TS, जब L की वैल्यू कम करेंगे, इसको डिक्रीज करेंगे, ये वैल्यू ये डेल्टा IL है, इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो IL मैक्सिमम इंक्रीज होगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे मान लेते हैं। अब डेल्टा IL इंक्रीज कर रहा है तो ये वाली वैल्यू कम होगी, ये इंक्रीज कर रहा है तो ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव की तरफ जाएगी। जैसे इधर देखें, डेल्टा IL हमारा इंक्रीज किया L की वैल्यू हटाने पर, तो IL मिनिमम और कम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हुआ, ये वाली वेवफॉर्म अब इस तरीके से ऐसे जाएगी। वैसे भी देख सकते हैं स्लोप के अकॉर्डिंग, L की वैल्यू इंक्रीज की तो ये स्लोप इंक्रीज होगा, तो हमने स्लोप को इंक्रीज कर दिया, अब ये इस तरीके से जाएगी। तो ये था L की वैल्यू कम करने पर। अब L की वैल्यू और कम करेंगे तो ये और कम आएगा, ये पीक और ज्यादा जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा जाएगा, एक L की इस वैल्यू पर L क्रिटिकल बोलेंगे, ये वाली वेल करंट जो मिनिमम करंट है जीरो हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा पीक पे, यहाँ पे फिर से जीरो हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे L क्रिटिकल, यानी इस वैल्यू पे जो IL मिनिमम है वो जीरो हो जाएगा। IL मिनिमम क्या है, I नॉट माइनस डेल्टा IL बाई 2 इज इक्वल टू जीरो। तो I नॉट को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा IL बाई 2। तो अब डेल्टा IL की वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी पहले, डेल्टा IL की वैल्यू आई थी I नॉट इक्वल टू VD माइनस V नॉट इनटू D FS। L की वैल्यू क्या हो गई, अब L क्रिटिकल यहाँ पे डिवाइड बाय 2, ये हो गया हमारा L क्रिटिकल। अब L क्रिटिकल क्या आ गया, VD माइनस V नॉट इनटू D डिवाइड बाय 2 FS इनटू I नॉट, इसको ऐसे लिख सकते हैं I नॉट, ये क्रिटिकल वैल्यू। अब इससे कम वैल्यू करेंगे और L क्रिटिकल से, अब ये बाउंड्री कंडीशन के केस में क्रिटिकल आ गई, अब L से L की वैल्यू L इससे भी कम की, तो क्या होगा, ये जो पहले इस तरीके का था
पीक तो वही रहेगा आईएल मैक्स। अब ये और ऊपर जाएगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा, लेकिन इस तरीके से अब यहाँ पे जीरो हो जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि वी डी माइनस वी नॉट वाई एल है, एल की वैल्यू और कम की तो ये और बढ़ेगा और मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, ये जीरो हो रहा है। तो ये हो गया डिसकंटिन्यूस केस में, जब एल की वैल्यू एल क्रिटिकल से कम है तो डिसकंटिन्यूस डीसीएम। अब और एल क्रिटिकल ग्रेटर देन लेस देन है एल से, एल की वैल्यू बड़ी है तो ये सीसीएम में ऑपरेट करेगा। बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, एल इक्वल टू एल क्रिटिकल। अब देखते हैं इसको अगर आर की टर्म में लिखें तो क्या आएगा, आई नॉट इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी नॉट वाई आर, तो एल सी आर आ जाएगा 1 माइनस डी आर अपॉन 2 एफ एस। ये था आर की क्रिटिकल वैल्यू, सॉरी इंडक्टेंस की क्रिटिकल वैल्यू आर की टर्म में। अगर इस केस में ही देखें, अगर आई नॉट की अगर दो वैल्यू दी है, एक आई नॉट मैक्सिमम है एक आई नॉट मिनिमम है, तो कौन सी वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि आई नॉट मैक्सिमम लेंगे तो एल सी आर की वैल्यू और कम होगी, एल सी आर मिनिमम आएगा, तो उससे अगर ऊपर की वैल्यू लेंगे तो हर केस में आई नॉट मिनिमम के केस में भी आई नॉट मैक्सिमम के केस में भी अगर एल की वैल्यू एल क्रिटिकल मिनिमम से ज़्यादा लेंगे तो कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में रहेगा। तो अगर दो वैल्यू दिए हैं तो वर्स्ट केस हमें निकालना होगा, तो आई नॉट मैक्सिमम की वैल्यू लेंगे, आई नॉट मैक्स, उस केस में सबसे कम हमें क्रिटिकल इंडक्टेंस मिलेगा। अब देखते हैं आउटपुट जो करंट है उस पर कैसे डिपेंड करता है, इसमें कैसे डीसीएम में जाएगा। अब देखते हैं कि आई नॉट की वैल्यू पर कैसे डिपेंड करता है, जैसे कंटिन्यूस कंडक्शन केस में भी हम वेवफॉर्म को ड्रॉ करते हैं टीएस, इसको फिर से ऐसी जाएगी, तो क्या हुआ जो डेल्टा आईएल की वैल्यू होती है, डेल्टा आईएल किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं, वी डी माइनस वी नॉट डी टी साइकिल एफ एस इंटू एल, एल और एफ एस कॉन्स्टेंट है, डी वी कॉन्स्टेंट लिया है, कंटिन्यूस कंडक्शन केस है तो वी नॉट भी कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन डेल्टा आई एल की वैल्यू आई नॉट पर डिपेंड नहीं करती, आई नॉट मीन्स एवरेज करंट पे। तो अभी क्या है, एवरेज करंट आई नॉट हो गया, तो I नॉट क्या होता है V नॉट बाई R। तो जब हम लोड को, ये लोड है, लोड करंट है, लोड को हम इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करने का मतलब होता है ये करंट की वैल्यू को इंक्रीज करना और रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज करना, तो इसको ऊपर ही ले जाएंगे, इंडक्ट ये करंट की जो लोड करंट है इंक्रीज कर रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये कंटिन्यूस मोर कंटिन्यूस होगा। लेकिन जब आई नॉट की वैल्यू डिक्रीज करेंगे, यानी लोड करंट को हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ वी नॉट वाई आर, आर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, आर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आई नॉट हमारा कम होगा, आई नॉट कम होगा तो कोई वैल्यू यहाँ पे आएगी, पहले से कम आएगी, आई नॉट वन मान लो इसको, तो आई नॉट वन इज लेस देन आई नॉट। तो इस केस में क्या हुआ, ये वैल्यू जो डेल्टा आई एल ये तो कम होगा नहीं, तो आई एल मैक्स क्या होता है, आई एल मैक्स आई नॉट प्लस डेल्टा आई एल वाई टू, ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है, आई नॉट की वैल्यू हमने कम की तो आई एल मैक्स भी कम हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे आएगा, समझ लें ऐसा आएगा, आई एल मिनिमम भी
आई एन मिनिमम कैसा होगा, आई नॉट की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो ये और भी कम होगा, आई नॉट माइनस डेल्टा आई एल बाई टू, ये और डिक्रीज होगा। इस ऐसे इस तरीके से ये वाली वेवफॉर्म आएगी, क्योंकि डेल्टा आई एल हमारा कॉन्स्टेंट ही रहना चाहिए। ये आ गया, इसको और कम करेंगे, जब आई नॉट को और कम करेंगे वो हो गया आई नॉट बी, आई नॉट बी बाउंड्री कंडीशन पे ले जाएंगे, और आर की जो वैल्यू होगी, आर के अकॉर्डिंग हम कम कर रहे हैं आई नॉट को, आर क्रिटिकल, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला करंट मिनिमम वैल्यू जो थी आई नॉट की, हमने वैल्यू इस तरीके से कम की, वो जीरो हो गई, यानी जब आई नॉट डेल्टा आई एल वाई टू के इक्वल हो जाएगा, तो ये इस तरीके से जाएगा। लेकिन ये था जब रेजिस्टेंस हमारा या आई नॉट बी, ये बाउंड्री कंडीशन के केस में, जब इससे भी कम करंट करते हैं हम, आई नॉट वी से भी जब कम करंट करेंगे तो ये और कम होना चाहिए, और कम कैसे हो सकता है, क्योंकि आई नॉट क्या था, आई एल मैक्स प्लस आई एल मिनिमम वाई टू, आई एल मैक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा इधर, आई एल मिनिमम को हम नेगेटिव कर दें तो भी कम हो सकता है, इस केस में नेगेटिव कर दें, इसमें से माइनस होगा मैक्सिमम में से, तो ये और कम हो सकता है। लेकिन बक कन्वर्टर के केस में डायोड से डायोड के थ्रू करंट फ्लो होता है, डायोड लग गया, इंडक्टर होगा और ये कैपेसिटर लोड रेजिस्टेंस, तो डायोड के थ्रू ये करंट जब फ्लो होता है, जब पॉजिटिव करंट हो गया लेकिन नेगेटिव करंट डायोड के थ्रू फ्लो नहीं हो सकता, तो ये वाला मिनिमम करंट नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, आई नॉट की वैल्यू को और कम कैसे कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये करंट पॉजिटिव में जाएगा, फिर ये जीरो हो गया, और इसके बाद कुछ टाइम के लिए जीरो होगा, क्योंकि आई नॉट एवरेज वैल्यू रहती है, एवरेज वैल्यू वन बाई टी एस होता है, कुछ टाइम के लिए ऑन है वो वैल्यू रहेगी वन बाई टी एस, क्योंकि वन बाई टी एस की वैल्यू ज्यादा है और ये करंट कम है, तो और कम हो जाएगा आई नॉट, तो आई नॉट अगर आई नॉट वी से कम है तो डिसकंटिन्यूअस केस में पहुंच जाएगा, तो इसको वैल्यू निकालते हैं, वही वैल्यू आएगी, आई नॉट आई नॉट इक्वल टू डेल्टा आई एल वाई टू, ये बी हो गया बी, या फिर इसको बोले आई नॉट क्रिटिकल इक्वल टू आई नॉट बी, वही आ जाएगा वी डी माइनस वी नॉट इंटू एफ सॉरी डी अपॉन एफ एस इंटू एल, एल की कोई गिवन वैल्यू है उसके लिए आई नॉट वी। अब आई नॉट वी को आर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी नॉट वाई आर क्रिटिकल, वी नॉट को हम डी टाइम्स वी डी अपॉन आर क्रिटिकल भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तो बाउंड्री के लिए निकाल रहे हैं, तो कंटिन्यूस केस में जो भी जो फॉर्मूलेज हैं फॉर्मूला हैं हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि करंट अभी भी कंटिन्यूस है, ये तो डिसकंटिन्यूस है जब बाउंड्री कंडीशन की बात करें, इस केस में करंट कंटिन्यूस है, तो ये हो जाएगा वी डी, यहाँ से कॉमन ले लेंगे वी डी इंटू डी, इधर आगे ले लिया वन माइनस वी नॉट वाई वी डी इंटू टू एफ एस इंटू एल, VD से VD कैंसिल, ये D हो जाएगा, तो R क्रिटिकल क्या हो गया 2FSL डिवाइड बाई 1 माइनस D, ये आ गया क्रिटिकल रेजिस्टेंस। अगर क्रिटिकल रेजिस्टेंस R क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज्यादा है तो क्या होगा DCM, DCM यानी अगर V0 के केस में देखें तो I0, आर बड़ा हो रहा है तो आई नॉट और कम होगा, तो आई नॉट लेस देन आई नॉट भी हो रहा है, आर क्रिटिकल
से अगर R छोटा है तो CCM है, यानी I नॉट V से बड़ा है ये I नॉट, तो ये CCM में जाएगा। तो ये था क्रिटिकल रेजिस्टेंस।